press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीपा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको एनालॉजी कवर कराने जा रहा हूँ, जो रीजनिंग के अंदर आता है, जैसे हम स्क्वायर सीरीज इन सब चीज़ों में काउंट करते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे जो मैं देखूँ पिछले साल से लेके और अब तक के जितने भी पेपर हुए थे SSC के, तो धीरे धीरे करके SSC अपना पैटर्न, अपना लेवल बदलता जा रहा है, अपना लेवल बढ़ाता जा रहा है। अगर मैं बात करूँ स्पेशली सोल्विंग सीरीज़ की, ठीक है, वैसे देखिए सीरीज़ के क्वेश्चंस कवर अप करना एग्ज़ाम में मे बी थोड़ा टफ होता है, थोड़ा सा टफ होता है, बस मैं कहूँ, क्योंकि इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा बार बार प्रोसेस करना पड़ता है। बट आज मैं आपको जो मेथड बताने जा रहा हूँ, उससे आप निश्चित तौर पर एक मिनट के अंदर सॉल्यूशन कर लोगे। दोस्तों, मैं ये कहता हूँ आपसे, अगर आप एक मिनट के अंदर क्वेश्चन कर लेते हो, तो क्वेश्चन को मतलब एक मिनट के अंदर आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाता है कि मेरे को क्वेश्चन करना है नहीं करना, मतलब मेरे से आता है नहीं आता, तो क्वेश्चन को प्रोसीड कीजिए, करने के लिए जाइए। अगर आपसे एक मिनट के अंदर नहीं होता स्ट्राइक, तो आप छोड़ दीजिए। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मैं आज आपको 10 क्वेश्चन के करीब आपको कवर कराऊंगा, और ये 10 क्वेश्चन डेफिनेटली एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, और यहाँ पर जितने भी मैं मेथड आपको बता रहा हूँ, सारे के सारे अप्लाई करेंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हम कवर करते हैं तो हमें एक सिस्टमेटिक पैटर्न पता होना चाहिए कि कौन सा तरीका बेस्ट होता है किसी क्वेश्चन को करने के लिए। आप चाहे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लगाते हो, कोई भी क्वेश्चन आप करने जाते हैं, तो आपके पास एक प्रोसेस होता है। तो वही प्रोसेस हम आपको एक बताने जा रहे हैं कि देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठे हैं। अब जैसे मैं करने बैठूँ तो और दो सात, व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस नहीं, ये देखिए आपके दिमाग में 8 प्रोसेस चलने चाहिए जब भी आप एनालॉजी सॉल्व करो, चाहे वो नंबर सीरीज हो, कोई सी भी बात हो, ठीक है, आपके दिमाग में तुरंत 8 प्रोसेस चलने चाहिए। अभी 8 प्रोसेस कौन सी है, मैं पहले आपको 8 प्रोसेस गिनवा देता हूँ। ये 8 प्रोसेस हैं, ये आप चाहें तो अपनी कॉपी पर लिख लें अलग से। सबसे पहले एडिशन, ट्राई टू ऐड समथिंग इन नंबर। पहले क्या करें, कोई भी सीरीज जैसे ही आपको दिखाई दे तो उसमें कोई नंबर ऐड करने की कोशिश करें। अगला आता है सब्ट्रैक्शन, आपको जब भी कोई सीरीज दिखाई दे तो आप उसमें से कुछ घटाने की कोशिश करें। अगला आता है मल्टीप्लाई, आपको कोई भी सीरीज दिखाई दे तो आप उसमें से कुछ मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें कि शायद मल्टीप्लिकेशन से आंसर आ रहा हो। मगर देखिए, जितनी भी 8 प्रोसेस बता रहा हूँ, आपके दिमाग में विद इन 15 सेकेंड्स हो जानी चाहिए। अगला आएगा डिवाइड बाई समथिंग, आप जो क्वेश्चन है उसे कुछ डिवाइड करके देखें, अगला करके देखें, स्क्वायर देखिए, अगला देखिए, चेक करें कि स्क्वायर तो नहीं है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2-7 के बीच में कोई स्क्वायर वाला रिलेशन तो नहीं है, यहाँ पे भी कोई रिलेशन तो नहीं है, ऐसे रिलेशन चेक करें। स्क्वायर एडिशन का देखिए, स्क्वायर एडिशन का यहाँ पे कुछ स्क्वायर में कुछ जुड़ तो नहीं रहा, दो अगर आप स्क्वायर में जोड़ोगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और उसमें 3 जोड़ दोगे तो कितना आएगा 7, वैसे ही 6 का स्क्वायर में 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, कितना जोड़ा था यहाँ पे 3, उतना ही जोड़ना है यहाँ पे 36 में, 39 ऑप्शन में है, 39 बिल्कुल स्ट्राइक कर गए मेथड। ऐसे स्क्वायर सब्ट्रैक्शन, अगर एडिशन से ना हो तो सब्ट्रैक्ट स्क्वायर कीजिए, कुछ घटा कर देखिए, ये वाला आ रहा है, ठीक है, तो वैसे यहाँ पे स्क्वायर कीजिए, उसमें से कुछ घटा कर देखिए, जो यहाँ पर आए वो देखिए, ढूंढिए ऑप्शन में है या नहीं, ऐसा करके देखें। अगला है क्यूब, क्यूब में कुछ ऐड करके देखिए, क्यूब में कुछ सब्ट्रैक्ट करके देखिए। अगला स्प्लिट द नंबर्स को स्प्लिट करके देखिए, देखिए इसका मैं बहुत अच्छा एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको स्प्लिट द नंबर्स का। अगला है क्रॉस चेक, आपको जरूरी नहीं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन मिले, आपको हो सकता है कि इन दोनों के रिलेशन मिल रहा हो, 2 के और 6 के बीच में रिलेशन मिल रहा हो, डबल रेशियो के बाद भी रिलेशन मिल रहा हो। चलिए क्वेश्चंस करते हैं, 10 क्वेश्चन आपको सोल्व कराऊंगा और डेफिनेटली इन 10 क्वेश्चंस में आपके सारे पैटर्न कवर हो जाएंगे। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, जितने भी 8 मेथड बताए मैंने, तो ऐसे मतलब सबसे पहले एडिशन करना है दिमाग ही दिमाग में, ये 8 मेथड आपको एक बार में सोल्व करने हैं, एक क्वेश्चन के साथ ये 8 मेथड अप्लाई करने हैं। जौन सा मेथड आपको लग जाए कि हाँ ये वाला हो रहा है, कर दीजिए उससे सोल्व। अगर कोई मेथड नहीं आपके दिमाग में एक मिनट के अंदर ये वाले स्ट्राइक नहीं करते, आप क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, ज़्यादा टाइम खराब नहीं कीजिए, दिल मत लगाइए क्वेश्चन से, दिल लगा बैठते हो आप, ठीक है। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन, 2 और 7 के बीच में क्या रिलेशन है, देखिए ध्यान से देखिए, 2 और 7 के बीच में क्या, 2 में कुछ, मेरा जो पहला मैंने आपको बताया था पहला, क्या 2 में कुछ जुड़ रहा है, 2 में अगर मैं कितना जोड़ू, 2 में कितना जोड़ू, मैं 2 में मान के चलिए मैं 5 जोड़ता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरा 7, वैसे ही 6 में अगर मैं 5 जोड़ू तो क्या आना चाहिए 11 है, क्या है ऑप्शन में 11 है, नहीं है, इसका मतलब मेरा एडिशन वाला पहला स्टेप नहीं फॉलो कर रहा,
सब्ट्रैक्शन वो तो आपको दिख ही रहा है कि यहाँ से कुछ जोड़ रहा है, तो सब्ट्रैक्शन तो वैसे ही फॉलो नहीं करेगा, सब्ट्रैक्शन मेरा यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा। उसके बाद मैंने कौन सा बताया था आपको, मल्टीप्लाई, क्या 2 से 7 किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करके आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि 2 के साथ अगर किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा, और 7 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। तो 2 3 6 आ सकता है, 2 4 8 आ सकता है, मगर 7 नहीं आ सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई मल्टीप्लीकेशन भी नहीं है, डिवीजन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 2 में अगर आप किसी चीज़ को डिवाइड लगाओगे तो 2 से कम ही नंबर आएगा, जबकि ये तो 2 से ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे डिवीजन भी फॉलो नहीं करता। अब देखिए स्क्वेयर, 2 के स्क्वेयर में कहीं 7 आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो स्क्वेयर का पहला मेथड फॉलो नहीं कर रहा। अगला देखते हैं, 2 के स्क्वेयर में कुछ जोड़ तो नहीं रहा। 2 का स्क्वेयर कितना होता है, 4, और 4 में अगर मैं 3 जोड़ दूँ तो क्या आ रहा है, 7। वैसे ही 6 का स्क्वेयर कितना होगा, 36। 36 में भी ये 3 जोड़ दूँ तो क्या आएगा, 39। तो आंसर 39। मतलब कौन सा मेथड फॉलो कर गया आपका, स्क्वेयर एडिशन का, स्क्वेयर एडिशन का। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो आपको इस प्रोसेस के थ्रू चलना है, ये 8 प्रोसेस है, 8 स्टेप की प्रोसेस आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। और रीजनिंग के जितने भी सीरीज के, फाइंड नंबर्स, फाइंड इवन आउट जितने भी होते हैं, ऑड को बाहर निकालो यहाँ से सीरीज के अंदर से, या फिर ये जो एनालॉजी है, रेशियो वाले होते हैं, सारे क्वेश्चन एक बार में क्लियर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखना जरा, 3 से 27, क्या 3 में कुछ, 3 से 27 कितने जोड़ने पर आएगा, 24। 24 जोड़ के देखिए, नहीं मिल रहा। अगला देखते हैं, 3 में से 27 घटाने पर तो आ ही नहीं सकता। तो और दूसरा स्टेप भी खत्म, मल्टीप्लीकेशन, 3 की 9 से गुना कीजिए, ऐसे 9 के 7 से 63 होना चाहिए, नहीं है ऑप्शन में, ये भी खत्म। डिवाइड से आ ही नहीं सकता, क्योंकि 3 से छोटा आएगा, ये तो 27 से बड़ा नंबर है। अगला भी खत्म, स्क्वेयर, 3 के स्क्वेयर में कहीं 27 नहीं आता, तो ये भी खत्म। स्क्वेयर में ऐड करो, 3 के स्क्वेयर 9 होगा, उसमें ऐड करने पर 10 आएगा, 11 आ सकता, 12 आ सकता, इतना कोई ऐड नहीं करेगा जो 27 आ जाए, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन से आ ही नहीं सकता, क्योंकि सर जब 27 एडिशन से ही नहीं आया तो सब्ट्रैक्शन से कहाँ आएगा। अगला चलो क्यूब, 3 की क्यूब क्या है, 27। बिल्कुल सही, 3 की क्यूब क्या है, 27। वैसे ही 7 की क्यूब क्या आएगी, 343। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसे नहीं है कि ऐसी आ जाती है सीरीज, ठीक है। एक एक सीरीज का अपना अपना एक पैटर्न होता है। अब मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाने के लिए आपको डायरेक्ट करा देता हूँ। मेरे ख्याल से आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि हमें 8 तरीके की मेथड अप्लाई करने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है मेरे भाई, 6:2 और क्या है, 8:what? 6:2 और 8:what? देखिए ये क्वेश्चंस बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, जरूरी नहीं आपको हर जगह मिलेंगे मतलब, मगर कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जहां पर मैंने इस तरह के क्वेश्चंस देखे हैं, और इसी वजह से आपके सामने लाया हूं। और किस कुछ कोचिंग संस्थानों की बुक्स में भी ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं, तो आपको कराना ये क्वेश्चंस बहुत वाजिब हो जाता है, बिल्कुल कराना चाहिए मेरे को। तो चलिए बढ़ते हैं, आपको कहाँ कर, शायद यहाँ पर देख जाएगा, ठीक है। अच्छा 6 को 2 से डिवाइड करिए, जरा 6 को किसी चीज़ से डिवाइड करिए, क्या आएगा, कितना आया, 3। देखिए मैंने आपको केवल डिवीजन बताया था कि डिवाइड करके देखिए, मगर नहीं, डिवीजन में से भी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है ये। 3 में से 1 गया तो कितना आया, 2। कितना आया, 2। 3 में से भी 1 गया तो कितना आया, 2। वैसे ही 8 को किसी चीज़ से डिवाइड कीजिए, कितने से डिवाइड करोगे, इसे भी 2 से डिवाइड करोगे, कितना आया, 4। इसमें भी 1 घटाइए, कितना आएगा, 3। कितना आएगा, 3। तो आंसर क्या हुआ, 3। आगे बस, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आगे होंगे। अब देखिए जरूरी नहीं कि ये वाले दिए हों आपको, ये वाले भी दिए हो सकते हैं, यहाँ से इन वालों का रिलेशन निकालिए। ये तो सीधा हो जाएगा कि देखिए ये किसका स्क्वायर बनता है, 5 का स्क्वायर, ये क्या है, 5 की क्यूब, डेफिनेटली यहाँ पे क्यूब लिखी है तो यहाँ पे स्क्वायर लिखा होगा। ये किसकी क्यूब है, 3 की क्यूब, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर यानी कि 9 है। ऑप्शन में 9, बिल्कुल है ऑप्शन में 9। अगला देखिए, 10, 101, 20 ऑफ रेशियो वाट। अब ऐसे क्वेश्चन में देखिए कुछ भी नहीं करना, अगर आप यहीं पे डायरेक्ट शुगर वाले पे जंप कर जाओगे तो क्वेश्चन कैसे गलत हो जाएगा, देखिए मैं बताता हूँ। शुगर आपको प्रोसेस के थ्रू ही चलना है, कि मल्टीप्लीकेशन तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो देखिए शुगर वाले पे चले जाओ आप, 10 का शुगर कितना, 100, और उसमें 1 जोड़ दो तो आपका आ गया 101। अब सेम टू सेम अगर आप 20 के स्क्वायर में कुछ जोड़ दो, मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा, 401, जो कि ऑप्शन में गिवन ही नहीं है।
जब 400 का ऑप्शन में गिवन ही नहीं है तो आप कहाँ से कर दोगे क्वेश्चन? ठीक है, यहाँ पर क्या करोगे आप, 10 की मल्टीप्लाई करो 10 में, कितना होगा 100, और उसमें जोड़ो एक 101, वैसे ही 20 की मल्टीप्लाई करो 10 में तो कितना 200, और 200 में एक जोड़ोगे तो कितना 201। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आठ प्रोसेस में एक भी मेथड आप जंप ना करें। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, L into M, 12 into 13, U into W, L का नंबर कितना 12, M का नंबर 13, U का नंबर कितना 21, तो W का नंबर 23। ये वाला हो गया, ये तो मतलब आ जाता कई बार ऐसा क्वेश्चन, तो इस वजह से मैं करा रहा हूँ यहाँ पे। ये है स्प्लिट द नंबर, जो आठवां स्टेप बताया था मैंने, सॉरी सातवां स्टेप आपको बताया था स्प्लिट नंबर्स, तो यहाँ पे स्प्लिट करना होता है। देखिए कोई भी तरीका नहीं है कि 248 से 3 आ जाए या 3 से 248 आ जाए, ठीक है, मतलब कुछ आया ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी फिर वो फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए स्प्लिट करते हैं, यहाँ पे इन दोनों के बीच को स्प्लिट कीजिए, 8 से 24 कैसे आ रहा होगा, जब गुना में क्या की होगी हमने 3 की होगी, वैसे ही सॉरी यहाँ पर ये 328 था और पूछा जाएगा व्हाट, ठीक है। 8 से 32 कैसे आएगा, आप जैसे स्प्लिट कीजिए 32 को, 8 4 32, 8 4 जा 32, तो स्प्लिट देन आ गया समझ में, ठीक है। बाकी के सारे क्वेश्चन है आप ये तीनों क्वेश्चन आप लगा के देखिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना मैं नहीं कराऊंगा, बहुत आसान से क्वेश्चन है, एक बार में हो जाएंगे, ठीक है। ये तो सीधा मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन लिया था मैंने ताकि आसानी से डिवाइड हो जाए, है ना। ये वाला क्वेश्चन कुछ देखिए, 3 का है क्यूब है, यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट और यहाँ पे कुछ ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन हो जाएगा वाला, ये वाला कीजिए। अगर ये तीनों क्वेश्चन आपसे ना हो तो फिर भेजिए, क्योंकि ये देखिए प्रैक्टिस करनी भी जरूरी है, मैं चाहता हूँ आप इन तीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत आसान सी होगी होगी अब आपके लिए सीरीज। आपको एक बार और मैं बता दूँ, ये 8 मेथड है, आप एक बार और नोट डाउन कर लीजिए एक एक करके, ये 8 मेथड आपको दिमाग ही दिमाग में अप्लाई करने होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखता हूँ, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुलिस की पूरी पूरी की पूरी जितनी भी भर्ती के रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो मैं कवर कर